क्या? रात के 12 बज गए हैं, घर जाने के लिए तेरा कर रहा हूँ मैं इंतजार इसका, ताकि स्कूटर पे होके जाए हम सवार इसका। भैया वो ना, मैं 9 से 12 पिक्चर देखने निकल गया था नारायण टॉकीज में। तू पिक्चर देख के आ रहा है? मैं यहाँ चौकी में मक्खी मार रहा हूँ। वो क्या है ना भैया, मैडम रावणपुर से गई है बाहर, तो मैंने सोचा क्यों ना मौके का फायदा उठा लिया जाए, इसलिए मैं फिल्म देखने निकल गया। आपको इसलिए नहीं लेके गया क्योंकि फिर यहाँ भी तो कोई चाहिए ना चौकी का ध्यान रखने के लिए। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए भैया, आपके लिए मैं समोसा लाया हूँ। यार तू मेरा सच्चा भरा है, कितना प्यार करता है मुझे यार। थैंक यू वेरी मच इसका, अब मैं ये समोसा खाऊंगा करके चप चप इसका। खा लो भैया खा लो। कितने अच्छे लगते हैं भैया आप समोसा खाते हुए, पता है? यार ये समोसा बड़ा टाइट सा है, ऐसे लग रहा है जैसे मैंने प्लास्टिक का समोसा खाया हो। एक मिनट भैया एक मिनट। हाँ टिल्लू, चेक कर फोन, चेक कर अपना। मिली ना फोटो, हो गई तसल्ली, पड़ गई कलेजे में ठंडक। पूरा का पूरा प्लास्टिक का समोसा खा लिया है भैया ने। हाँ और मुझे मेरे शर्त के 1000 रुपए कल चुपचाप दे देना, आप समझ गया ना? चल। तूने मुझे प्लास्टिक का समोसा खिलाया? हाँ, मेरा दोस्त है ना टिल्लू, उससे मेरी शर्त लग गई थी टॉकीज में भैया। वो मुझसे बोलने लगा कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ये प्लास्टिक का समोसा खा सके। मैंने उसको बोला एक है जिनको लक्कड़ पत्थर सब हजम है, मेरे भैया। और आपने खा लिया, आपने मुझे सही साबित कर दिया भैया। तूने मुझे खिला दिया प्लास्टिक का समोसा इज्जा, जबकि मैंने तुझे बच्चों की तरह है पाला पोसा इज्जा। अब मुझे ये समोसा, प्लास्टिक का समोसा खा के कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा भैया आपको। उस दिन मैंने आपको जो कचौड़ी खिलाई थी वो लकड़ी की थी, कुछ हुआ आपको? तूने मुझे लकड़ी की कचौड़ी खिला दी? खिला दी तो खिला दी, उसमें क्या भैया, कुछ हुआ तो नहीं ना आपको? शट अप, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भैया आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? अच्छा ठीक है, वो शर्त के जो 1000 मिलेंगे ना उसमें से 500 आप रख लेना बस। शट अप, चुप कर। मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ इसलिए तू सर पे गया है चढ़ इसका, हद से गया है बढ़ इसका। या मैं तो मजाक कर रहा था। चलो भाई मजाक में दुगनी, आज के बाद मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। भैया आप ऐसा मत बोलिए ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं अब तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं पूरी तरह तेरे साथ रूठ गया हूँ। अब कभी भी ना इस चौकी में मैं वापस नहीं आऊंगा, तेरी शक्ल नहीं देखूंगा मैं। भैया भैया सुनो ना भैया, भैया ये तो बहुत गलत हो गया, भैया तो सच में नाराज हो गए। शाबाश, जैसे ज्यादा होशियारी कूट कूट के भर रखी है ना थारे अंदर, इसलिए होता है यो, और एक दिन ले डूबेगी यो ये होशियारी तेने। यार एक आदमी को तू प्लास्टिक का समोसा खिला देगा तो रूठेगा ही ना वो थारे से। पर मैडम मैं माफी भी तो मांग रहा हूँ अपनी गलती की, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, कैसे भी करके कुछ भी करके भैया से मेरी बात करवा दीजिए मैडम, बहुत रूठे हुए हैं वो मुझसे। इतना यार मजाक, यो सब काम करूं मैं बाकी के सारे छोड़ के, इनकी बिल्कुल ही। आए, गुड मॉर्निंग मॉम। वेरी गुड मॉर्निंग। इस बिल्लू ने बताया मन्ने, इसने थारे संग जो बदतमीजी करी, मैं क्या कह रही हूँ? वेल मॉम, इसके बारे में कोई नहीं करना चाहता बात इसका, धोबी के गधे ने आज ही मारी है मेरे लात इसका। बेचारा गधा, कोई नहीं इसे अपनी गलती का एहसास है। नहीं मॉम, शायद आपको पता नहीं है जी, इसने मुझे प्लास्टिक का समोसा खिलाया जी। और तूने भी तो खा लिया एकदम ही लपक के। नहीं आदमी है तू पजामा, तेने पता नहीं लगी कि यो प्लास्टिक का मैं समोसा चप चप करके खा रहा हूँ? पिछली बार अभी कुछ दिन पहले इसने जो है लकड़ी की कचौड़ी खिला दी तेने। अबे आदमी है तू दानव है के? मॉम आपने मुझे जो कहना है कह लो जी, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दो, मैं तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूँ। अबे
तक कुएं में पड़ो तुम दोनों, ज्यादा यहाँ बिल्कुल ही भाई हो रहे हैं। इतनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है बिगड़ रही है, योना समझ में आ रहा प्रोफेशन काम कैसे करोगे? मैं ट्रांसफर ले लूंगा जी। अबे कहाँ ट्रांसफर, दुनिया से लेने का टाइम आ गया, ट्रांसफर लूंगा मैं। कौन झेलेगा तेने किसी और चौकी में, यहाँ मैं पाल रही हूँ। सॉरी देखा मैडम, आपने भैया ने आपकी बात भी नहीं मानी, इतना रूठे हुए हैं वो मुझसे। अरे यार देखो भाई, ऐसा है, इंसान उसी से रूठता है जिससे उसको पता हो कि वो मरने मनाएगा, है नहीं? और जब कोई मनाने वाला हो तो रूठने का मजा आवे, इसलिए जा मना अपने भैया ने, चल। ओ बिल्लू भैया। क्या मिस चौटाला, रूठने का मजा। हेलो मिस चौटाला, व्हाट्स अप? आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। क्यों, क्या हो गया? आप हमसे बात क्यों नहीं करना चाहती? मैं वो भी नहीं बता सकती, इनफैक्ट ये समझ लीजिए कि मैं मेजर वाला रूठ गई हूँ और मैं मानूंगी नहीं। फिर हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो आप रूठ ही क्यों? हमें बताइए ना, हम कवर अप करते, बताइए क्या किया हमने, बताइए। गो फिगर। मिस चौटाला, अबे हमने तो ना कुछ किया ना कुछ बोला, फिर क्यों रूठ गई मिस चौटाला? चल जा। फिर चल निकल यहां से। रुक। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? चलो। ये देखिए भैया, मैं आपके और मेरे लिए फिल्म की दो टिकटें लाया हूं, हम दोनों भाई मिलके फिल्म देखेंगे। बिच्छू काटे सारी रात। बिच्छू चाहे सारी रात काटे चाहे सारा दिन काटे, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा कहीं भी, समझा? तू मेरे से बात मत कर, यही रहेगा अच्छा इज्दा। मेरी सास मुझे कहती है गधे का बच्चा इज्दा। एक नंबर की झूठी औरत है भैया वो। वेल और नहीं तो क्या, अगर उन्होंने आपको गधा कहा होता ना तो एक बार बात मेरे समझ में आती, लेकिन गधे का बच्चा आप किसी एंगल से नहीं लगते। मेरे दिमाग की मत कर दही इज्दा, यही होगा सही इज्दा। क्या भैया, इतने पुराने हो गए हम लोग इस चौकी में, इतने टाइम से हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इतना वक्त बिताया है, तो क्या थोड़ा बहुत हंसी मजाक नहीं कर सकते? उस बात पे आप मुझसे ऐसे रूठ जाएंगे? छोटा मोटा मजाक ये जो तूने किया है, ये छोटा मजाक था? मैं तेरी कितनी कितनी बदतमीजियां तेरी बर्दाश्त की है मैंने और बर्दाश्त करता रहा हूं, कितनी बार मैंने किया है तुझे माफ इज्दा, अब दिल को नहीं करूंगा मैं साफ इज्दा। भैया मैं आपको चाट खिलाऊंगा, लस्सी पिलाऊंगा, मैं आपको घुमाने लेके जाऊंगा, प्लीज आप मुझसे ऐसे मत रूठिए भैया, अगर आप ऐसे रूठ जाएंगे तो मैं कैसे जीऊंगा? आई डोंट नो इज्दा, जो होना है हो इज्दा, भूल जा तू, भूल जा मैं कौन हूं। भूल जा? कैसे भूल जाऊं भैया, कैसे भूल जाऊं? माना कि मैं भुलक्कड़ हूं, पर इतना भी बड़ा भुलक्कड़ नहीं हूं कि मैं ये बात भूल जाऊं कि आप मेरे बड़े भाई हैं। कितनी इज्जत करता हूं मैं आपकी, कितना प्यार करता हूं आपसे, और मैं भूल बेहाया, बेशरम, बेगैरत, बदतमीज, कटवा के धर दिया तूने पूरा खानदान की, क्या जरूरत थी उस पान वाले के साथ में इश्क लड़ाने की और भाग जाने की? दुनिया वाले तो यही कहेंगे कि नवाब साहब की बेटी ने एक पनवाड़ी से शादी कर ली, पान वाला है हमारा दामाद, हमसे कुछ नहीं होगा, तेरी अम्मा आएगी और तेरी चोटी खींच के तुझे सीधा करेगी।
सॉरी। कुछ हुआ था क्या? हो गया, जो होना था हो गया। तूने मेरी बाल्टा भर भर के बेइज्जती की है, और तू कुछ भूला भाला नहीं था, तूने जान बूझ के ये किया है। जान बूझ के जा रहा हूं मैं, तेरी शक्ल नहीं देखूंगा अब मैं। भैया 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 क्या बात है बिल्लू, तुम इसे इतना मना रहे थे फिर भी ये बुढ़ाओ माना नहीं तुम्हारी बात है? कोई बात नहीं सर, मैं भैया को मना लूंगा, क्योंकि मुझे आता है कोई इंसान कितना भी रूठा क्यों ना हो, लेकिन अगर मनाने वाला थोड़ा सा दिमाग लगाए ना जी, तो उस रूठे हुए को मनाया जा सकता है। हैं? ऐसी बात है? दो टिकटें हैं मेरे पास, पहले तमीज में रहो बे। इसका मतलब ये है कि हम मिस चौटाला को किसी भी हाल में मना कर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच बिल्लू, टाटा सी यू। मिस चौटाला। हेलो मिस चौटाला, ये देखिए सरप्राइज आपके लिए, हम नारायण टॉकीज की दो टिकटें लाए, आज हम और आप शाम को पिक्चर देखने जाएंगे। क्या आप भूल गए कि मैं आपसे रूठी हुई हूँ? वही हम जानना चाहते हैं मिश्राला, आप हमसे रूठी हुई क्यों है? नहीं बताऊंगी। ठीक है तो पिक्चर नहीं जाते, एक काम करते हम रात को डिनर पे जाते, बड़ा मजा आएगा। नहीं खाऊंगी। फिर क्या करें? आप जाइए, गो फ्रॉम हियर। मॉम ये सब कैसे? ये तू पूछ रहा है मदन चोपड़ा? जिसकी वजह से आज यहां बिल्लू लंबा पड़ा है, इतना के रूठ गया तू। सारा वक्त इसने तेने मनाने की कोशिश करी, थारे आगे पीछे डोलता रहा, पर तू कतई एटीज की ऐसी हीरोइन हो गया जो क्लाइमैक्स तक मनी ना आए, and now he's dead meat. बिल्लू मेरे प्रा, तू इतना नाराज हो जाएगा यार, अपनी जान तक दे दी तूने यार, ये नहीं था मैंने सोचा इसका, मेरी पड़ोसी ने मेरा मुंह नोचा इसका। बहुत अच्छा करा। गुप्पी जी मैं घोलू में कुछ बोलू? बोलो। बिल्लू भैया मरने से पहले आपको बहुत याद कर रहे थे। कुछ नहीं, बेचारा बिल्लू कहता रहा कि बस लास्ट टाइम मैं एक बार अपने भोंडे भैया की शकल देख लूं तो नर्क में एकदम फ्रेंडली फीलिंग आएगी। योले थारे लिए चिट्ठी छोड़ के गया है, पढ़ जल्दी। मेरे भैया मुझसे रूठ गए हैं, मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने, और मैं भैया से आलू ले लो प्याज ले लो। अरे भूल गया होगा ना। या दिस वन। नहीं मैं भैया के बिना नहीं रह सकता, वो अगर मुझसे रूठ गए हैं तो अब मैं भी दुनिया से रूठ गया हूँ, और मैंने जहर खा के अपनी जान दे रहा हूँ। हो सके तो भैया मुझे माफ कर देना। यार कोई इतना भी नाराज होता है यार? तो मेरा प्रो है, छोटा प्रो है यार, मेरा प्रा है छोटा यार, मैं तुमसे इतना भी नहीं रूठा था। तो यो भी इतना भी नहीं मरा है, चल उठ जा, बहुत हो गया, चल चल भैया। क्या मिस चौटाला? वाँ 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 वाँ। आप हमसे रूठ गई थी, इतना मनाने पर भी नहीं मानी, तो पता है हमने क्या किया? हमने जहर खा लिया और अब हम अपनी जान दे देंगे। अरे चाय बोलो जरा। चाय बनाओ, चाय वाले को बुलाओ। अबे
ठीक नहीं लग रहा है, पेट दुख रहा है, लगता है उल्टी आ रही है, ठीक नहीं लग रहा है, लगता है जहर असर कर रहा है। एक काम करो जरा, वो बाजू के पार्लर से मीनू को ले आना, मैं मैनीक्योर जरा करवा लूँ आज, माय नेल्स आर चिप्ड। अरे भाड़ में गई मीनू, हम मर रहे हैं, आप वो मैनीक्योर पेडीक्योर कर रही, क्या नाखून मत खाइए, अच्छा नहीं लग रहा। सुनिए, ऐसा है अभी अभी एक ऐसा ड्रामा ना यहाँ फूट चुका है ऑलरेडी, ये जहर खा के मर रहा हूँ वाला तुम्हारे पे वर्क नहीं करेगा, मन ने बेराया, आपने कुछ जहर वहर खाया नहीं है, सो प्लीज कट इट आउट। नहीं खाया तो क्या हुआ, अगर आप हमसे ऐसे ही रूठ ही रही ना तो हम सच में खा जाएंगे, रोकिए हमें खाने वाले, हम जल्दी रोकिए। अरे ये हाथ नहीं, ये हाथ क्या कर रही है आप? मैं मन गई। है? मन गई तो वो बन की। अच्छा मुझे बताइए आप रूठी क्यों थी, ये तो बताइए हमें। फिर कर दी ना आपने बिल्कुल न्यूज रिपोर्टर वाली बात, मन ने बिल्कुल पसंद ना आया यो क्वेश्चन आंसर, मैं फिर रूठ गई। अरे मिश्राला, अबे अब क्या हो गया, हमने क्या पूछा?